जी का मंडनम, समस्त पाप खंडनम, स्वभक्त चित्त रंजनम, सदैव नंद नंदनम, सुपिच्छ गुच्छ मस्तकम, सुनाद वेणु हस्तकम, अनंग रंग सागरम, नमामि कृष्ण नागरम, नमामि कृष्ण नागरम। मनोज गर्व मोचनम, विशाल लोल लोचनम, विधुत गोप शोचनम, नमामि पद्मलोचनम, करार विंद भूधरम, स्मितावलोक सुंदरम, महेंद्र मान धारणम, नमामि कृष्ण वारणम, नमामि कृष्ण वारणम। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, श्री गिरिराज धरण की जय, श्री वल्लभाधीश की जय, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय, श्री गुसाई जी परम दयाल की जय। आज आषाढ़ शुक्ल एकादशी देवशयनी एकादशी, श्रीनाथ जी में आज देवशयनी एकादशी का उत्सव मनाया जाएगा। आज के दिन की क्या विशेषता है, सबसे प्रथम हम इस वीडियो में ये जानते हैं। आज देवशयनी एकादशी है, आज से श्री जी में चातुर्मास के नियम आरंभ होंगे। हमारे पंचांग में प्रत्येक वर्ष में 24 एकादशी होती है। सनातन धर्म में एकादशी का महत्वपूर्ण स्थान है। आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को ही देवशयनी एकादशी कहा जाता है। इस तिथि को पद्मनाभा या पोड़ी एकादशी भी कहते हैं। देवशयनी एकादशी सूर्य के मिथुन राशि में आने पर आती है। इस दिन से चातुर्मास का आरंभ माना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु क्षीर सागर में शयन करते हैं और फिर लगभग 4 माह बाद तुला राशि में सूर्य के जाने पर उन्हें जगाया जाता है। उस दिन को देव प्रबोधिनी एकादशी या देवोत्थापान एकादशी कहा जाता है। इस बीच के अंतराल को चातुर्मास कहा जाता है। देवशयनी एकादशी को पौराणिक ग्रंथों के अनुसार बहुत महत्व दिया जाता है। इसका कारण यह है कि इस दिन भगवान विष्णु 4 मास के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं, जिस कारण शुभ कार्यों को इस दौरान करने की मनाही होती है। अतः आज से 4 माह तक कार्तिक मास की शुक्ल एकादशी या देव प्रबोधिनी एकादशी तक विवाह आदि शुभ कार्य वर्जित होते हैं। श्री जी को आज लगभग 3 माह के पश्चात इस ऋतु का प्रथम मुकुट काचने का श्रृंगार धराया जाएगा। मुकुट का श्रृंगार प्रभु को मुख्य रूप से 3 लीलाओं, प्रथम शरद रास लीला, दूसरी दान लीला एवं तीसरी गोचारण लीला के भाव से धराया जाता है। श्री जी को अधिक गर्मी एवं अधिक सर्दी के दिनों में मुकुट नहीं धराया जाता। इस कारण देव प्रबोधिनी एकादशी से फाल्गुन कृष्ण सप्तमी अर्थात श्रीनाथ जी के पाटोत्सव तक मुकुट नहीं धराया जाता है। इसी प्रकार अक्षय तृतीया से रथ यात्रा तक श्रीनाथ जी प्रभु को मुकुट नहीं धराया जाता। जब भी मुकुट धराया जाता है तो वस्त्र में काचनी ही धराई जाती है। काचनी उसके घेर में भक्तों को एकत्रित करने के भाव से श्री ठाकुर जी को धराई जाती है। मुकुट कांचनी के श्रृंगार की यह विशेषता भी होती है कि जब भी मुकुट धराया जाता है तब थाड़े वस्त्र सदैव चांदनी छटा के भाव से श्वेत रंग के धराए जाते हैं। जिस दिन मुकुट धराया जाता है उस दिन भोग आरती में विशेष रूप से सूखे मेवे के टुकड़ों से मिश्रित मिश्री की कणियाँ रोगाई जाती है। ज्येष्ठ एवं आषाढ़ मास की चारों एकादशियों में श्री जी को गोपी वल्लभ अर्थात ग्वाल के भोग में मिश्री के बूरे और इलायची पाउडर से सुसज्जित पतली पूड़ी अरोगाई जाती है, जिसे लिचोई कहा जाता है। इसके अतिरिक्त आज श्री ठाकुर जी के अरोगने हेतु द्वितीय ग्रहाधीश्वर प्रभु श्री विट्ठलनाथ जी के घर से अनसकड़ी में मांडा अर्थात मीठी रोटी तथा आमरस की सामग्री विशेष रूप से आती है, जो कि प्रभु को संध्या आरती में अरोगाई जाती है। आइए आज के श्रृंगार की हम चर्चा करते हैं। तो प्राप्त जानकारी के अनुसार आज की साज सेवा में श्री जी में आज श्री यमुना जी के जल विवाहार करते हुए तथा खस के बंगले में विराजित हुए श्री ठाकुर जी, श्री स्वामिनी जी एवं गोपियों के सुंदर चित्रांकन से सुसज्जित पिछवाई धराई जाती है। आज गादी, तकिया,
एवं चरण चौकी पर श्वेत बिछावट की जाती है। आज की वस्त्र सेवा में श्रीनाथ जी को आज सुवापंखी रंग का सूथन कांचनी, लाल हाशिया की सुवापंखी कांचनी तथा रास पटका धराया जाता है। सभी वस्त्र रूपहरी जरी की तुई लेस की किनारी से सुसज्जित होते हैं। आज ठाड़े वस्त्र श्वेत डोरिया के धराए जाते हैं। आज की आभरण श्रृंगार सेवा में श्रीनाथ जी प्रभु को आज श्री वल्लभादीज जी ठाकुर जी स्वरूप को आज वनमाला का चरणार विंतक का उष्णकालीन हल्का श्रृंगार धराया जाता है। आज श्री जी के श्रृंगार में सर्व आभरण मोती के धराए जाते हैं। आज श्री ठाकुर जी के श्री मस्तक पर मोती का अद्वितीय मुकुट, मोती की टोपी और बाई ओर शीशफूल धराए जाते हैं। प्रभु श्री वल्लभादीश के श्री कर्ण में आज मयूराकृति कुंडल धराए जाते हैं। आज प्रभु के स्वरूप के बाई ओर मोती की चोटी जी धराई जाती है। आज के श्रृंगार में प्रभु को कली आदि सभी मालाएं धराई जाती है। प्रभु को आज श्वेत पुष्पों की रंग बिरंगी थाग वाली दो सुंदर माला जी सुशोभित की जाती है। श्री जी प्रभु के श्री हस्त में आज कमल छड़ी, गंगा जमनी के वेणु जी एवं दो वेत्र जी धराए जाते हैं। आज खेल के साज में पट उष्णकाल का आता है एवं गोटी बड़ी हकीक की आती है। आज संध्या आरती दर्शन में श्रीनाथ जी प्रभु के कली के अद्भुत श्रृंगार के दर्शन होंगे। आज के दिन की एक विशेषता यह भी है कि आज संध्या आरती दर्शन में प्रभु को नियम का मुकुट कांचनी का मोगरे की कली का श्रृंगार धराया जाएगा। रथ यात्रा के उपरांत श्री जी को नियम के तीन कली के श्रृंगार धराए जाते हैं, जिनमें आज प्रभु को कली का तीसरा एवं अंतिम मुकुट कांचनी के रूप में श्रृंगार धराया जाएगा। कली का श्रृंगार सदैव उत्थापन दर्शन पश्चात प्रभु को धराया जाता है, जिसमें प्रातः के दर्शन में जो वस्त्र आभरण धराए जाते हैं, संध्या आरती में वैसे ही अद्भुत वस्त्र एवं आभरण मोगरे की कली से निर्मित कर धराए जाते हैं। आभूषणों के स्थान पर सभी आभूषण मुकुट कुंडल आदि कली के ही धराए जाते हैं। आज विशेष रूप से पिछवाई एवं पिठिका के ऊपर चोकटा भी मोगरे की कली से सिद्ध कर धराए जाते हैं। श्वेत मोगरे एवं तुलसी की माला जी आज श्री ठाकुर जी को धराई जाती है। संध्या आरती के दर्शन के पश्चात ये सर्व श्रृंगार बड़े करके अर्थात हटा करके शैया जी के पास पधराए जाते हैं। आज श्रीनाथ जी में अन्य सभी सेवाक्रम नित्य क्रम होते हैं। आइए अब चर्चा करते हैं हम आज की राग सेवा की, आज के कीर्तनों की। आज मंगला के दर्शन में श्रीनाथ जी प्रभु के सन्मुख वृंदावन क्यों ना भये हम मोर कीर्तन पद का गायन किया जाता है। राजभोग के कीर्तन पद में आज एरी यह नागर नंद लाला कुंवर का गायन किया जाता है। आरती के दर्शन में आज फूल महल में बैठे रसिक कीर्तन पद का गायन श्रीनाथ जी प्रभु के सन्मुख होता है। शयन के पद में आज कुंज महल के आंगन मध्य कीर्तन पद का गायन होता है। मान के कीर्तन में आज यह रूसवे की नाही पद का गान होता है श्रीनाथ जी प्रभु के सन्मुख। एवं पोड़वे के पद में आज रंग महल गोविंद पोड़े कीर्तन पद का गायन श्री प्रभु के सन्मुख आज किया जाता है। तो आप सभी वैष्णवों को पुनश्च आषाढ़ शुक्ल एकादशी अर्थात देवशयनी एकादशी की मंगल बधाई। तो ये थे आज के श्रीनाथ जी प्रभु के देवशयनी एकादशी के मुकुट कांचनी के श्रृंगार एवं संध्या आरती दर्शन में कली के अद्भुत श्रृंगार के सुंदर अलौकिक दर्शन। आप सभी वैष्णवों का आभार एवं अभिनंदन। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, श्री वल्लभादीश की जय। आपका दिन शुभ हो।